हाय व्हाट्सअप गाइस, फ्रेंड्स क्या आप पिक्सआर्ट की दुनिया के अंदर बिगिनर्स हो? तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इस फोटो एडिटिंग के जरिए आप अपने कोई भी फोटो को मात्र 2 मिनट के अंदर एडिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और वीडियो को एक कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स इसके लिए आपको डाउनलोड करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपको बैकग्राउंड इमेजेस और PNG इमेजेस दिख रहे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्शन कर दिया है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे बॉटम एक स्लाइडर दिख रहा है, यहाँ पे आपको राइट अलाइन कर देना और यहाँ से आपको एक ऑल फोटो का एक ऑप्शन दिख जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मॉडल PNG लिए है उसका बैकग्राउंड ऑलरेडी इरेज किया हुआ है। यदि आप सीखना चाहते हो कि बैकग्राउंड इरेज कैसे करते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने मॉडल PNG को सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्शन करने के बाद आप अपने फोटो को कुछ स्टेप से स्ट्रेच कर देना और यहाँ पे दीवार पे लगा देना है। देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी कर दिया सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से ऑल फोटो पे चले जाना है। ऑल फोटो पे जाकर फ्रेंड्स आपको एक दूसरा इमेज ले लेना है, यानी तू जाने ना ये वाला स्टेटस आपको यहाँ पे PNG इमेज ले लेना है। इसके अंदर बैकग्राउंड आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन में जाना और स्क्रीन कर देना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लैक जो बैकग्राउंड था पीछे वाला वो हट चुका है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे आपको लेफ्ट अलाइन करके कुछ स्टेप से सेट कर देना है। तो देख सकते हो कि फ्रेंड्स ये मैंने सेट कर दिया। फिर से ऑल फोटो पे जाना, ऑल फोटो पे जाकर फ्रेंड्स आपको एक PNG इमेज ले लेना है। तो ये वाला लाइट PNG आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ से आपको क्या कर देना है, ब्लेंड में स्क्रीन कर देना है। ये फोटो मैंने इसके लिए क्योंकि यहाँ पे जो पीछे मून दिख रहा है वहाँ पे एक लाइटिंग इफेक्ट लगाने के लिए ये वाला लाइट PNG का मैंने यूज़ किया और मून के आगे मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप से सेट कर दिया। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि यहाँ पे फोटो सिलेक्शन हो चुका है। तो फ्रेंड्स सारे जो फोटो चेकबॉक्स के रहते थे ऊपर एक चेकबॉक्स है, वहाँ पे आपको क्या करना है, फोटो को सेव कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे फोटो में CV इफेक्ट यानी सिनेमेटिक इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे इफेक्ट में जाने, इफेक्ट में एफएक्स और एफएक्स में कर देना HDR। HDR करने के बाद फोटो के अंदर एक चमकदार रोशनी आपको देखने को मिल जाएगी। तो देख सकते हो कि फोटो एकदम चमकदार हो गया। इसके अंदर अनशार्प और ब्लर को थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है ताकि फोटो के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है और ये एडिटिंग वो मैनेजेबल हो जाए। तो देख सकते हो कि फोटो आपका बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये वाला फोटो को कर देना सेव। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।